भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक माह के 21वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कार्तिक का महीना महान पुण्यकारी माना जाता है। साक्षात नारायण का स्वरूप कार्तिक के महीने को माना गया है। कार्तिक माह में जो मनुष्य प्रातः जल्दी उठकर के स्नान आदि कर्म करता है तथा कार्तिक के महीने में दान पुण्य करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। यदि आप कार्तिक माह में ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, ब्राह्मण को वस्त्र दान करते हैं या फिर ब्राह्मण को आप नगद राशि के रूप में दान दक्षिणा प्रदान करते हैं, फल का दान, भूमि का दान, स्वर्ण दान या गौ दान यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति हो सकेगी। तो कार्तिक माह के निमित्त मनुष्य को दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। अब हम आपको कार्तिक माह के 21वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कथा प्रारंभ करने के पूर्व हम गुरुदेव की स्तुति करते हैं और उसके बाद हम भगवान का आवाहन तथा उनका स्मरण करेंगे। उसके बाद कथा का प्रारंभ करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। करारविंदे न पदारविंदम् मुखारविंदेन विनिवेशयन्तिं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रद्वास कनक कपीशं वेजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोप वृंदैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्रावीशत गीत कीर्तिः। कस्तूरीतिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणिं। फुल्लन्दिवर कांतिमिन्दु वदनं वरहावतां सप्रियं श्रीवत्सांकमुदार कौस्तुभधरं पीतांबरं सुंदरं। गोपी नाम नयनोत्पलार्चित तनुं गो गोपसंघावृतं गोविंदं कलवेणुवादन परं दिव्यांग भूषणं भजे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग दूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश इनके नयन गभीर है उनके
चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, अब हम आपको कार्तिक माह के 21वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिक महात्म का बने यह 21वां अध्याय। अब ब्रह्म और समस्त देवताओं ने नतमस्तक होकर के भगवान भोले बाबा यानी शंकर भगवान की बड़ी स्तुति की। ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता शंकर भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, आप प्रकृति से परे परब्रह्म और परमेश्वर है, आप निर्गुण है, आप निर्विकार है, आप सबके ईश्वर है और नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को आप करते हैं। हे भोले बाबा, हे शंकर जी, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास है। हे देव देवेश, आप महादेव है। हे भोले बाबा, हे शिव जी, आप प्रसन्न होकर के हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा है तथा हम सदा आपकी शरण में ही निवास करते हैं। राजा प्रथु ने नारद जी ने कहा राजा प्रथु से कि इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया। तब उसे सुन करके देवताओं को वरदान दे करके भगवान शंकर जी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद भगवान शिव जी का यश गाते हुए समस्त देवता प्रसन्न होकर के अपने अपने धाम को अपने अपने स्थान को चले गए। महेशाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और समस्त पापों को नष्ट करने वाला है तथा सभी प्रकार से यह चरित्र जो मनुष्य सुनता है उसको जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं और यह सुखदायक है तथा महेश को भी आनंददायक है। यानी जो इस चरित्र का श्रवण करता है उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट और संकट नहीं आता है। भगवान भोलेनाथ की अपरंपार कृपा उसके जीवन पर बरसने लगती है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा अथवा ब्राह्मण के मुख से सुनेगा वह सुखों को भोग करके अंत में शिवलोक को या अमर पद को पाएगा और उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे, उसे समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कार्तिक महीने का 21वां अध्याय यहाँ पर समापन होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हर भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है, कथा सुनने के बाद यदि आप
कथा के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर कार्तिक माह के निमित्त कोई भी दान आप देना चाहते हैं, जैसे वस्त्र दान, गौ दान, अन्न दान, फल दान या भूमि दान या अन्य कोई भी दान पुण्य यदि आप कार्तिक माह के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि हम तक पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र बता करके कार्तिक महीने का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तथा लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।